नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग को चल रहा है टैली, और टैली के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होती है दोस्तों? जैसे आप कभी गुड्स खरीदते हैं, कभी आपने होलसेल से कभी गुड्स खरीदे और गुड्स आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको जब रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट का यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप अपने होलसेलर से कोई भी गुड्स खरीदें और वो आपको पसंद नहीं है तो उसको आप रिटर्न कैसे करें। या तो आप पूरा रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर 10 पीस कोई सामान खरीदे हैं, कोई गुड्स खरीदे हैं, तो उसमें आधा भी रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो पूरा भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप कोई अपने कस्टमर से कोई सेल्स कर दी हैं, जैसे आप खुद अपने दुकान से अपनी शॉप से कोई कस्टमर को सेल्स कर दी है कोई गुड्स, और वो रिटर्न अगर आपको करता है तो उसके रिटर्न कैसे करेंगे दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग अपने होलसेलर से हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे थे, यानी कि आप जो खरीद के लाए वो आपको गुड्स नहीं पसंद आया तो उसको आप रिटर्न कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होती है दोस्तों? कि अगर आप कोई कस्टमर से कोई सामान कोई गुड्स सेल्स कर दिए, अगर वो रिटर्न करना है तो कैसे आप रिटर्न करेंगे दोस्तों। तो चलिए सीखते हैं क्रेडिट नोट। टैली पर डबल क्लिक किया, वर्क इन एजुकेशन मोड पर मैंने क्लिक किया और मैं सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगा। मैं इस पर कंपनी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैं पिछली वीडियो वाला ही जो आपको डेबिट नोट का यूज किए थे उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लिए। अब मैंने देखिए मैं डिस्प्ले में जाता हूं, आपको डिस्प्ले में जाने के बाद आपको डे बुक में मैं जा रहा हूं, और मैंने एक पहले से ही डेबिट नोट वाला परचेज किया था, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने घी परचेज किया है 5 kg। मैंने घी परचेज किया था 5 kg और मैं कितना परचेज रिटर्न कर लिया हूँ देखिएगा। डेबिट नोट मैं परचेज रिटर्न कर लिया हूँ 2 kg, तो हमारे पास 3 kg अभी घी बच रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हमारे पास 3 kg घी बच रहा है, तो अब हमको 3 kg को सेल करेंगे और सेल करके उसको फिर रिटर्न करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। तो अब आपको ये आपको देखने के लिए मैं सैम देखने के लिए देखिए दोस्तों, डिस्प्ले में आप जाके आप कौन कौन सा इन्वेंट्री इन्फो में आप डिस्प्ले में जाके डी बुक में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एंट्री किए हैं। तो मैंने डेबिट नोट की एंट्री की है और परचेज की एंट्री की है, यानी कि परचेज मतलब सामान खरीदे हैं और डेबिट नोट से हम लोग सामान को भी रिटर्न किए हैं। इसे यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाकर और डे बुक में जाकर। और स्टॉक सैमरी से क्या होता है दोस्तों? कि आपके पास कितना भी गुड्स बच रहा है, देखिए 5 kg परचेज किए थे, 3 kg बच रहा है, और उसको डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इंटर मारिए और इंटर मारिए। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए 5 kg में परचेज किया था, 2 kg माइनस हुआ, 3 kg बच रहा है। इस तरह से आप गुड्स भी देख सकते हैं, सामान भी देख सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, डिस्प्ले में आपको जाना है और डे बुक आपको आना है, स्टेटरी रिपोर्ट में आना है और GST में आना है। अगर आप परचेज रिटर्न देखना चाहते हैं तो GSTR2 में आपको जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखलाएगा ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपको इस समय आपको दिखलाएगा दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हम लोग सीखना क्या है दोस्तों? हमको सीखना क्या है कि हम कोई सेल्स कर दिए हैं, वो हमको रिटर्न आएगा तो कैसे रिटर्न करेंगे दोस्तों। तो अब मैंने कंपनी नहीं बनाऊंगा, लेजर नहीं बनाऊंगा। अभी मेरे पास जो गुड्स बच रहे हैं, जो सामान बच रहे हैं, देखिएगा मेरे पास अभी इतना अवेलेबल सामान अभी मेरे पास बच रहे हैं, ठीक ना। जैसे मैंने पास अभी इतना परचेज जो मैंने किया हूँ अभी मेरे पास बच रहे हैं, ठीक है ना। उसी को बेचेंगे, उसी को रिटर्न करेंगे, इनके सेल्स करेंगे और उसी को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है क्या दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर यहां पर आप देखिएगा, उस पिछली वीडियो में मैं बताने के लिए भूल गया था कि अगर आपको ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगर हाईलाइट नहीं है तो इसको कैसे आप कीजिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे कि मैंने इन्वेंट्री इन्फो में गए
और यहाँ पर F11 को पर क्लिक किया और इन्वेंटरी फीचर या अकाउंटिंग फीचर किसी में आप चल जाइए और देखिएगा यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट यस और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट और इन्वॉइस मोड यस और क्रेडिट डेबिट नोट इन इन्वॉइस मोड यस, यहाँ पर इसे आपको यस है। अगर यहाँ पर अगर आपको नो रहता, अगर यहाँ पर आपको नो रहता, जैसे कि मैंने नो किया इसको हम लोग नो कर दिए। अब यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिए और हम एस्केप बटन में जा रहे हैं और अकाउंटिंग वाउचर में आप जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं आपको ऑन हुआ तो आपको फिर क्या करना है, यहीं पर ही जाना है इन्वेंटरी इन्फो में जाना है और F11 को प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में आपको जाना है और यहाँ पर आके आप इस सबको आपको यस करना होगा। यहाँ सब आपको जाके यस करना होगा। जैसे कि माने कि मैं आपको जैसे नो कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको ये नो कर दिया तो ये सब क्या हो जाएगा, वहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जाके इस सबको यस करना है, ये दोनों को आपको यस करना है। तो मैंने यस कर दिया। आपके अगर आपके पास क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर हाईलाइट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जाके यस आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में और हमने एक सेल्स का एंट्री करेंगे, सेल्स करेंगे, सबसे पहले सेल्स करेंगे उसके बाद सेल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर F8 पर क्लिक करेंगे, नंबर 1 देते हैं, ठीक ना। और हम किससे सेल्स करेंगे, कौन सा पार्टी है हमारे पास, तो चलिए मैं एक पेज आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे ऊपर में देखिएगा, मैं पिछली वीडियो में मैं आपको घी 5 kg परचेज किया था, उसके बाद मैंने रिटर्न भी कर लिया था, लेकिन अभी मैंने 5 kg मैंने घी परचेज किया हूँ पिछली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, लेकिन अब मैं सेल करूँगा, ठीक है। सेल करके मैं उसको रिटर्न करूँगा। तो कुछ नहीं, चलिए हम लोग सिर्फ सेल्स करते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स किससे करेंगे, पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो कंट्रोल सी करेंगे, ठीक ना, कंट्रोल सी करेंगे। एक रानी, एक मेरे पास कस्टमर है और इसको हम लोग रखेंगे सैंड्री डेप्टस में, ठीक है। रानी का एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, इंटर मारते जाएंगे, इनका पिन कोड और रानी कस्टमर जो है वो उसका रेस्ट रेगुलर नहीं है, अनरजिस्टर्ड, मतलब उसका GST नहीं है, आम ग्राहक है, मेरा कस्टमर है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल्स का लेजर होना चाहिए। तो Alt प्लस C डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स और यहाँ पर सेल्स का सेल्स अकाउंट रखेंगे। सर्विस की जगह पर गुड्स रखेंगे और यहाँ पर मैं घी ही बेच रहा हूँ, ठीक है, घी। चलिए ये सब की एंट्री मैंने पहले ही कर लिया हूँ पिछले ही वीडियो में। मैं 2 kg घी बेच रहा हूँ और 300 रुपये इनका रेट है और डिस्काउंट उस बार में कितना था, 5.5% ही था, तो इसीलिए मैंने, चलिए मैंने घी यहाँ पर सेल्स का एक एंट्री कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर CGST और SGST ये दोनों मैंने लगा दिया और यानी मैं सेल्स मैंने कर लिया। अब मैंने सेल्स कर लिया, अगर वो कस्टमर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 kg वापस करना है या 2 kg दोनों वापस करना है तो कैसे उसके एंट्री हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको, अब हम लोग चलेंगे क्रेडिट नोट, अगर क्रेडिट नोट हाईलाइट नहीं होता है तो आपको मैंने बताया था कि कैसे हाईलाइट करेंगे। अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ पर आपको F11 को प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में जाना है और ये तीनों को आपको यस कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेल्स को रिटर्न करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों सेल्स को रिटर्न, अब हम आपको बता रहे हैं। सेल्स को रिटर्न करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट नोट पर यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नंबर वही डालना है जो पहले इनवॉइस नंबर में डाले थे और इंटर, और हमने इसी से बेचा था तो इसी
तब इसी से हम लोग रिटर्न करेंगे और इंटर मारेंगे। और यहाँ पर देखिए सेल्स लेजर में यहाँ पर सेल्स नहीं डालेंगे, सेल्स रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे। तो अल्ट प्लस सी करेंगे, अल्ट प्लस सी करके हम सेल्स का एक लेजर, सेल्स रिटर्न का एक हम बनाएंगे लेजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा था, उसी को कॉपी कर लूँ, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं सेल्स रिटर्न। और यहाँ पर सेल्स का सेल्स अकाउंट में ही रखेंगे और सर्विस के जगह पर गुड्स करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। वो घी ही इससे बेचे थे तो घी ही इसको लेंगे, और लोकेशन गोदाम गए ही रखे थे, और 2 kg उससे सेल्स किए थे तो 2 kg उसको वापस हमको करना है, या 1-1 kg वापस कर सकते हैं, नहीं तो 2 kg भी वापस कर सकते हैं। मारेंगे इंटर इंटर इंटर, और फिर यहाँ पर CGST और फिर SGST इंटर, और यहाँ पर यस ही रखेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ रीजन में यहाँ पर रखेंगे सेल्स रिटर्न, और इसको सेल्स कर देंगे, यानी कि परचेज सेल्स रिटर्न कर लिए। अब मुझे अगर देखना है तो कैसे कैसे देखेंगे, चलिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले में आएंगे और डे बुक में आके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जितना भी एंट्री के 4 एंट्री मेरे पास है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने परचेज किया था, यानी कि पिछले वीडियो डेबिट नोट में परचेज किया था, और उसी में हम लोग सेल्स परचेज रिटर्न किए थे। आज हम लोग क्या किए, सेल्स किए, यहाँ पर देखिए ये वाला सेल्स किए, और फिर ऊपर क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न किए, यहाँ पर आप देख लिए। और यहाँ पर आएंगे इसमें रिपोर्ट में आएंगे, और GST में GSTR1 में जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको देखेंगे, ठीक है। एक चीज हो गया, और हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, स्टॉक सेमरी में जाएंगे, इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए आएगा क्रेडिट नोट, इस तरह से भी हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे कि अगर हम कोई सामान, कोई गुड सेल्स कर दिए हैं, अगर वो कस्टमर मुझे रिटर्न करने आता है तो कैसे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे दोस्तों। तो आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक मारिए, शेयर मारिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।